यस सरकार, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर, ड्यूटी ड्रॉबैक्स सर, चैप्टर नंबर 29 सेक्शन नंबर 74 एंड 75। सर ध्यान देना बेटा, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था मार्कर का, अगर आपने मार्कर इंपोर्ट किया, मार्कर ही एक्सपोर्ट कर दिया सेक्शन नंबर 74, अगर आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, मार्कर मैन्युफैक्चर किया और मार्कर बना के आपने एक्सपोर्ट किया, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 75, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वही अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया सेक्शन नंबर 74, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया उससे आपने कोई गुड्स नया मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके फिर आपने एक्सपोर्ट किया तो 75। ओके सर ध्यान देना, अगर आपने मार्कर इंपोर्ट किया, कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उसी को आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो सर ऐसे केस में विद इन 2 ईयर अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो इंपोर्ट करने पर जो आपने कस्टम पे किया उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74। पर हाँ, अगर आपने उसको विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया, आई रिपीट, विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया, तो 98% जो आपने कस्टम पे किया तो उसका 98% ड्रॉबैक मिलेगा, और यूज करके एक्सपोर्ट किया तो बात करेंगे बाद में। ओके सर ध्यान देना, यहाँ पे सेक्शन 74 में सर सारे कस्टम ड्यूटी का रिफंड मिलता है, सारे कस्टम्स का ड्रॉबैक मिलता है, भले वो सेफगार्ड हो, भले वो एंटी डंपिंग हो या कोई भी ड्यूटी हो, प्लस यहाँ पे सेक्शन नंबर 37 और 39 का भी ड्रॉबैक मिलता है। पर अगर सेक्शन नंबर 75 की अगर मैं बात करूँ आपसे, आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, उसको क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन, आपने कस्टम पे कर दिया, आपने उसको यूज करके मार्कर बनाया और आउटपुट गुड्स बना के आपने एक्सपोर्ट किया, तो उसके इनपुट पे जो कस्टम लगा उसका आपको रिफंड मिलेगा, क्लियर। पर यहाँ पे रिफंड जो मिलता है सारी कस्टम का मिलता है, भले वो एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, सेफगार्ड ड्यूटी हो, कोई भी ड्यूटी, सबका मिलता है, पर इनपुट पे जो कस्टम पे किया उसका रिफंड मिलता है। पर एक्सेप्ट 37 और 39 अगर आपने इनपुट पे किया तो उसका आप ITC ले लीजिए और GST के अकॉर्डिंग उसका रिफंड ले लो, अगर आपको ITC काम नहीं आता तो। पर यहाँ पे आपको 37 39 का रिफंड नहीं मिलता है। पर हाँ, सेक्शन 75 के केस में इनपुट पे कितना टैक्स पे किया कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे मार्कर एक्सपोर्ट किया, बहुत सारे इनपुट काम आए होंगे, कितना इनपुट काम आया इंपोर्टेड, कितना डोमेस्टिक, क्लियर। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया सर, स्टडी किया और ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स कर दिया। मैं आ गया हूँ रूल्स में, पहले मैं 75 पूरा कर रहा हूँ, फिर आएंगे वापस 74 में। ओके सर, सबसे पहली बात, ड्रॉबैक के केस में बोल दिया सारे कस्टम का ड्रॉबैक मिलेगा एक्सेप्ट 37 और 39 इन केस ऑफ 75, सेक्शन नंबर 75 की बात कर रहा हूँ। सेकंड, यहाँ पे एक्सपोर्ट का डेफिनेशन दे रखा है रूल नंबर 2 में। एक्सपोर्ट का मतलब होता है टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, प्लस टेकिंग गुड्स फ्रॉम DTA टू SEZ भी यहाँ आता है 75 में। 74 में टेकिंग गुड्स फ्रॉम DTA टू SEZ एक्सपोर्ट नहीं मानते हैं, ध्यान रखना बेटा, इन केस ऑफ ड्रॉबैक, क्लियर। एंड एक और, अगर आप फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट को कोई गुड्स एज ए स्टोर सप्लाई कर रहे हो, क्लियर, टू बी कंज्यूम ऑन दैट फॉरन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट, वो भी एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आता है, वो 74 75 दोनों के केस में आता है, क्लियर। तो 74 75 में एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में केवल एक फर्क है, टेकिंग गुड्स फ्रॉम DTA टू SEZ 75 में था, 74 में नहीं आता, बाकी दोनों पॉइंट 74 75 दोनों में बैठे हो, क्लियर। प्लस 74 के अंदर 37 39 का ड्रॉबैक मिलता है, 75 के अंदर 37 39 का ड्रॉबैक नहीं मिलता। ओके, रूल नंबर 3 सर, हम बात करें किसके लिए, 75 के रूल्स के लिए बात करें हम। ओके सर, वहाँ बोला है क्या, ऑल इंडस्ट्रेड सर, क्या होता है इनपुट पे कितना, सर आपने आउटपुट गुड्स बना के फिर एक्सपोर्ट किया तो उसमें कितना इनपुट काम आया, तो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट स्टडी किया और देखा जो भी गुड्स इंडिया से जनरली एक्सपोर्ट होता है उन सबका स्टडी किया इंडस्ट्री वाइज और देखा कितना इनपुट काम आता है, उस पर कितना एवरेज कस्टम लगता है, उसके पैकिंग मटेरियल में कितना इनपुट पे कस्टम लगता है सर, उसके कंटेनर्स में या उसमें जो गुड्स काम होता है उसमें वेस्टेज कितना काम होता है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एवरेज स्टडी किया और देखा कि मान लो 1 करोड़ का अगर एक्सपोर्ट होता है, FOB वैल्यू 1 करोड़ है, तो उसमें काम आने वाले इनपुट्स पे कितना आपने कस्टम पे किया होगा या कितना एक्साइज पे किया होगा, उन सबको काउंट करते हुए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऑन एन एवरेज एक शेड्यूल तैयार कर दिया और पूरी इंडस्ट्री के लिए बोल दिया कि इसी रेट से आपको ड्रॉबैक मिलेगा, उसको बोलते हैं ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। और हाँ, ध्यान देना, रूल नंबर 4 ने बोला गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो इस ऑल इंडस्ट्री रेट को रिवाइज भी कर सकता है। अब अगर मान लो गवर्नमेंट ने ऑल इंडस्ट्री रेट को रिवाइज कर दिया हैविंग रिगार्ड टू मार्केट कंडीशंस एंड चेंजेस इन द टैक्सेशन लॉ, तो ऐसे केस में सर रूल नंबर 5 बोलता है रिलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कब का लेंगे हम, तो सर उसके लिए बोल दिया अगर आपने एक्सपोर्ट किया, नॉर्मल एक्सपोर्ट किया, तो ऐसे केस में जिस दिन हमने आपको परमिशन दिया था फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 51 लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, याद है बट आपको सर, दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, क्लियर। और वही रेट रिलेवेंट होती फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी अगर कस्टम लगता है एक्सपोर्ट पे तो। सेकंड थिंग, अगर आपने बाय पोस्ट एक्सपोर्ट किया, बाय पोस्ट एक्सपोर्ट किया, तो जिस दिन आपने पार्सल दे दिया किसको, पोस्टल अथॉरिटी को, एक्सपोर्टर ने पार्सल दे दिया पोस्टल अथॉरिटी को, वो डेट रिलेवेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, और वही डेट रिलेवेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस एक्सपोर्ट बाय पोस्ट अगर आपने किया है तो, बच्चों क्लियर। अच्छा सर सुनो, ध्यान से, रूल नंबर 6 बोलता है ब्रांड रेट, अगर आपने कोई ऐसा गुड्स एक्सपोर्ट किया जिसका ऑल इंडस्ट्री रेट फिक्स नहीं है, तो ऐसे कि इसमें पहली बार जब रेट ऑफ ड्रॉबैक फिक्स होता है उसको बोलते हैं ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके, अब जब ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट स्टडी करेगा बेटा, तो पहली बात कितने टाइम में अप्लाई करेंगे, आपको बोला है कि या तो एक्सपोर्ट करने से पहले अप्लाई कर दो या एक्सपोर्ट करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर एक्सपोर्ट करने के बाद में विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आई रिपीट सर, सॉरी, विद इन 3 मंथ्स
विदिन थ्री मंथ, जिस दिन आपको परमिशन मिली फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन नंबर 51, उसके 3 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो सर, ब्रांड रेट के फिक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अगर लेट हो गए तो उस ज्यूरिसडिक्शनल, जिस पोर्ट से आपने एक्सपोर्ट किया उसके ज्यूरिसडिक्शनल एसीबीसी को अप्लाई कर सकते हो कि मेरे को फर्दर टाइम दिया जाए, मैं लेट हो गया। रीजनेबल रीजन अगर रहा तो आपको फर्दर 3 महीने का टाइम और दे सकता है, तो 3 मंथ प्लस 3 मंथ का टाइम हो गया बेटा। पर उसके लिए फीस कितना है, 1% ऑफ एफओबी और ₹1000 विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम 1000 फीस से ज्यादा फीस नहीं है। पर अगर 3 प्लस 3 मंथ भी अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए, रीजनेबल केस था, तो आप कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हो और कमिश्नर के पास पावर है, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास पावर है कि सर वो चाहे तो फर्दर 6 मंथ का आपको टाइम और दे सकता है। 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 6 मंथ हो गया, फीस कितना डबल, 2% ऑफ एफओबी और ₹2000 विच एवर इज लोअर, मतलब मैक्सिमम फीस ₹2000 फॉर अप्लाइंग एक्सटेंशन इन केस अगर आप लेट हो गए फॉर एप्लीकेशन ऑफ ब्रांडेड। ओके, अब आप ब्रांडेड फिक्स हो गया, अब आपको सर गवर्नमेंट, आपने अप्लाई कर दिया, गवर्नमेंट स्टडी करेगा, देखेगा कि ब्रांडेड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए बेटा, क्लियर, और उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉबैक देगा। पर अगर आपको लगता है, अच्छा ध्यान रखना, एसीबीसी और कमिश्नर के पास पावर की हो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन को रिजेक्ट भी कर सकता है आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। ओके, वन मोर थिंग, अगर आपको आपने ब्रांडेड के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट स्टडी करेगा और उसके बाद फाइनलाइज करके फिर रिफंड देगा, पर आप तो बोलते हो मेरे को अभी का भी रिफंड दो, तो ऐसे केस में प्रोविजनल ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा, पर ऐसे केस में ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कमिश्नर में बात कर रहा हूँ, ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर मतलब उस पोर्ट का कमिश्नर जहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हो, और मल्टीपल पोर्ट्स अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो जिन जिन पोर्ट्स आप एक्सपोर्ट करते हो उनमें से किसी भी एक ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एक्सपोर्ट अपने प्रोविजनल ड्रॉबैक के लिए अप्लाई किया, क्योंकि गवर्नमेंट को ब्रांडेड फिक्स करने में टाइम लगेगा बेटा, अब प्रोविजनल ड्रॉबैक के लिए अप्लाई किया तो एक बार डिपार्टमेंट क्या करेगा, सर आपसे बॉन्ड साइन करवाएगा, बॉन्ड साइन करवाएगा, उसके बाद जितना सीबीआई से डिटरमाइन करेगा उतना आपको सर रिफंड दिया जाएगा, ड्रॉबैक दिया जाएगा ऑन प्रोविजनल बेसिस। आपसे बॉन्ड साइन करवाएंगे, डिफरेंस अमाउंट आया तो आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ओके सर, ड्रॉबैक मिल गया, फिर स्टडी होगा, देखेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मंगाएंगे, कॉपरेट किया आपने, सर कुल मिला के ब्रांडेड फिक्स हो गया। अब ब्रांडेड फिक्स होने के बाद देखेंगे कितना प्रोविजनल बेस पे दिया और कितना आपको एक्चुअल मिलना था, प्लस माइनस जो भी होगा दैट विल बी एडजस्टेड सर अलोंग विद इंटरेस्ट। क्लियर, इंटरेस्ट कितना होगा हम बात करेंगे सेक्शन 75A में। ओके सर, ध्यान देना बेटा, सर अब ब्रांडेड जब फिक्स करता है गवर्नमेंट, तब गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप सेफ गार्ड ड्यूटी हो गई या कोई भी अदर ड्यूटीज भी लगी उन सबको कंसिडर करने के बाद आप ड्रॉबैक देंगे अंडर रूल नंबर 6 ब्रांडेड। ओके सर, आ रहा है क्या स्पेशल ब्रांडेड रूल नंबर 7, अगर ऑल इंडस्ट्रेड किसी गुड्स का फिक्स किया हुआ पर आपने एक्चुअल जो कस्टम पे किया उसका 80% भी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा है एज पर ऑल इंडस्ट्री रेट, तो यू मे अप्लाई फॉर ए स्पेशल रेट, जिसको बोलेंगे क्या स्पेशल ब्रांड रेट। और हाँ, अप्लाई करने का सिस्टम वही है जो भी आपको पढ़ाया, ब्रांडेड के केस मतलब आप अप्लाई करेंगे इवन या तो एक्सपोर्ट करने से पहले या इवन एक्सपोर्ट होने के 3 महीने के अंदर कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेट हो गए तो वही 3 प्लस 3 प्लस 6 वाला पॉइंट सेम पॉइंट यहाँ पे। ओके सर, ध्यान देना बेटा, स्पेशल ब्रांडेड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो ध्यान देना, आपने ऑल इंडस्ट्री रेट के लिए अगर अप्लाई कर दिया तो आपको स्पेशल ब्रांडेड नहीं मिलेगा। ओके सेकंड बात सर, जैसे ही आप स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई करेंगे, आपने ऑल इंडस्ट्री तो अप्लाई किया नहीं बेटा, पर गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको आगे होकर प्रोविजनल ड्रॉबैक देंगे, अपफ्रंटली आपको प्रोविजनल बेस पर ड्रॉबैक देंगे एक अमाउंट जो डिटरमाइन करेगा सीबीएसई। पर हाँ अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनल ड्रॉबैक चाहिए, बच्चों जब गवर्नमेंट खुद आगे होकर आपको प्रोविजनल ड्रॉबैक दे रहा है तो कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं, पर अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनल ड्रॉबैक चाहिए, आपको लगता है कि मेरे को प्रोविजनल बेस पर एक्स्ट्रा और चाहिए, तो ऐसे केस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ऐसे केस में आपसे एक बॉन्ड साइन करवाएंगे, उसके बाद ही उनको लगता है तो एक्स्ट्रा प्रोविजनल ड्रॉबैक देंगे। ओके, अब सारा स्टडी करने के बाद पता पड़ा कि ब्रांडेड या तो नहीं मिलना था या मिलना था, तो जो भी हुआ फाइनलाइज उसको कंपेयर करेंगे से प्रोविजनल ड्रॉबैक से, और सर उसको जो भी अमाउंट प्लस माइनस होगा दैट विल बी एडजस्टेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्लियर, अच्छा बच्चों ध्यान रखना, जैसे आपने प्रोविजनल अभी हमने बात करी सारे ड्रॉबैक के अंदर सेक्शन 75 के अंदर, कि भले ही स्पेशल सर भले ही आपने स्पेशल ड्यूटीज पे करी, जैसे एंटी डंपिंग पे करी, सेफगार्ड पे करी, या आपने कोई भी काउंटर ड्यूटी एक्स्ट्रा पे करी एटसेट्रा पे किया, इन सबको कंसिडर करेंगे वाइल डिटरमाइनिंग द ब्रांडेड, इसके लिए एक सर्कुलर भी आया हुआ था। ओके सर, अब आ रहे हैं सर्टन केसेस जहाँ पे ड्रॉबैक नहीं मिलता। फर्स्ट केस सर, सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 ने लिखा कि अगर ड्रॉबैक का अमाउंट इज लेस देन ₹50 नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड, 50 है तो मिल जाएगा बेटा, क्लियर। सेकंड, अगर मार्केट वैल्यू से कम, ध्यान ना, मार्केट वैल्यू से कम ड्रॉबैक तो मिल जाएगा, पर मार्केट वैल्यू से एक्स्ट्रा, मार्केट वैल्यू है मान लो 1 करोड़ और ड्रॉबैक का अमाउंट जो आ रहा है 1 करोड़ 20 लाख, नो ड्रॉबैक शिल बी अलाउड इफ द ड्रॉबैक अमाउंट इज मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स। ओके सर, अब बात आ रही, ये दोनों पॉइंट थे 74 75 दोनों के लिए अप्लाई होंगे, अब बात आ रही है केवल 75 के लिए अप्लाई होने वाला पॉइंट। सर मैक्सिमम ड्रॉबैक कितना मिलेगा, भले ब्रांडेड हो, स्पेशल ब्रांडेड हो या ऑल इंडस्ट्रेट हो, मैक्सिमम ड्रॉबैक आपको मिलेगा 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो मार्केट वैल्यू होगी उससे 1/3 ही मैक्सिमम आपको मिलेगा। अच्छा, मार्केट वैल्यू से ज्यादा ड्रॉबैक मिल रहा है, नो ड्रॉबैक, मार्केट वैल्यू से कम ड्रॉबैक मिल रहा है, मिलेगा, पर मैक्सिमम 1/3 ही मिलेगा। सेकंड, देन ना, अगर आपने ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई किया है और अगर गवर्नमेंट ने
कुछ गुड्स के लिए मिनिमम वैल्यू एडिशन का क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, तो वो मिनिमम वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। पर अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं, तो एटलीस्ट देयर शुड नॉट बी एनी नेगेटिव वैल्यू एडिशन। मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया आपको बेटा। ओके, नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इन सर्टेन केसेस। क्या क्या बेटा? फर्स्ट सर, अगर आपने इंपॉर्टेंट मटेरियल पे कोई कस्टम पे नहीं किया या डोमेस्टिक मार्केट से जो गुड्स खरीदे उन पर कोई एक्साइज पे ही नहीं किया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग ड्रॉबैक। सेकंड सर, अगर आपने चाय बना के एक्सपोर्ट की, वो चाय नहीं, चाय पत्ती, तो टी चेस्ट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉक्स, वो टी चेस्ट के अलावा कोई और पैकिंग मटेरियल अगर आपने यूज किया, तो नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड। देन है क्या, जूट बैचिंग ऑयल विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, नेमली जूट या बिमली पतन जूट बोल दो, मेस्ता फाइबर बोल दो, यान जूट से बने हुए यान, ट्विस्ट, ट्वाइन, थ्रेड, कॉर्ड एंड रॉप्स, तो सर इसमें जो काम आया क्या, जूट बैचिंग ऑयल, उसका कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। सेम वे सर, ऐसे कोई गुड्स जूट से बनने वाले फैब्रिक फाइबर सारे गुड्स आ गए जिसमें जूट प्रीडोमिनेट्स इन वेट, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो पैकिंग मटेरियल काम आया, उस पैकिंग मटेरियल का भी कोई ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा। पैकिंग मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स, जिसमें जूट प्रीडोमिनेट करता है इन वेट, कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। प्लस लास्ट पॉइंट बोलता है सेक्शन 76 कि गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई करके बोल सकती है कि इन गुड्स के केस में कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो ये फॉलोइंग कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन फॉलो करोगे तो ही मिलेगा। सर ये गवर्नमेंट को पावर दे रखा है सो दैट टू अवॉइड द स्मगलिंग वगैरह बेटा। ओके, आइए प्रोसेसर की बात करते हैं हम सर, सेक्शन नंबर 75 के रिगार्डिंग जो रूल्स है उसमें प्रोसेसर, सबसे पहले रूल नंबर 10 बोलता है पावर टू रिक्वायर सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी ऑफिसर ऑथराइज बाय सर, एनी ऑफिसर ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज बाय ACDC, अगर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह मांगता है, तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे टू वेरीफाई कि आपको ड्रॉबैक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। रूल नंबर 11 बोलता है एक्सेस टू प्रमाइसिस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। सर ऑथराइज ऑफिसर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर है, उसने जिस ऑफिसर को ऑथराइज किया है, वो आपके प्रमेस पे आके वेरीफाई कर सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, चेकिंग कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुला समझ सकता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो कितना है आपका बेटा। क्लियर, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा और एवरी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री को एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन रूल नंबर 12 बोलता है प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट जब एक्सपोर्ट करते हो तो आप पार्सल पैक करते हो। क्लियर, ये लेके जाओगे पोस्टल अथॉरिटी के पास, उस पर पार्सल पे अगर आप ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो तो उस पर बड़े वर्ड्स में बोल्ड वर्ड में लिखोगे क्या, ड्रॉबैक एक्सपोर्ट। प्लस सर उस पार्सल के साथ जो आप क्लेम फाइल करोगे सर, ध्यान देना बेटा, चार कॉपी में क्लेम होगा, जिस दिन आप क्लेम देते हो उस दिन का डेट रिलेवेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, और वही डेट रिलेवेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगना है तो। और हाँ ध्यान देना बेटा, जब आप पोस्टल अथॉरिटी को देते हो, फिर पोस्टल अथॉरिटी क्या करता बेटा सर, वो पार्सल के लिए जो आपने क्लेम दिया है वो क्लेम देगा किसको, कस्टम ऑफिसर को। जिस दिन उसने पोस्टल अथॉरिटी ने कस्टम अथॉरिटी को क्लेम का कॉपी दिया, उस दिन माना जाता है कि क्लेम फाइल हुआ है। क्लियर, जिस दिन आपने पार्सल दिया दैट इज रिलेवेंट फॉर रेट ऑफ ड्रॉबैक या रेट ऑफ ड्यूटी के लिए बेटा, या टैरिफ वैल्यू के लिए। पर देना जिस दिन पोस्टल अथॉरिटी ने प्रॉपर ऑफिसर को क्लेम ऑफ ड्रॉबैक दिया, उस दिन मानते कि आपने क्लेम फाइल किया है। और हाँ अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी हुई तो वो डेफिशिएंसी क्लेम अलोंग विद डेफिशिएंसी मेमो आपको 15 डेज में लौटा देंगे, और उसको डेफिशिएंसी को आप फुलफिल करके विद इन 30 डेज रीसबमिट करेंगे, तब माना जाएगा कि आपका क्लेम सबमिट हुआ है। और वहां से गवर्नमेंट का टाइम जो 1 मंथ का दे रखा है टू गिव यू द रिफंड ऑफ ड्रॉबैक, क्लियर, जिस तो वो 1 मंथ कब से काउंट होगा, जब करेक्टेड क्लेम आपने फाइल किया तब से बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात? और वहां से 1 मंथ के अंदर अगर ड्रॉबैक दे दिया तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट की बात आगे और करेंगे बेटा। ओके, रूल नंबर 13 बोलता है कि पोस्ट के अलावा किसी और में नॉर्मल वे में अगर आप एक्सपोर्ट करो तो उसके लिए स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन क्या देना है। अरे आपका जो शिपिंग बिल होगा ना बेटा, वो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट ही क्या है आपका ड्रॉबैक क्लेम है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि दिस गुड्स, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मैं इसमें ड्रॉबैक क्लेम कर रहा हूं, मैंने कोई और रिबेट या रिफंड के लिए कोई और ना तो क्लेम किया है ना मैं करने वाला हूं। प्लस देना बेटा, ये आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में ही। पर अगर कोई एक्सपोर्टर ये क्लेम करना भूल गया है, उसे रह गया पर, और कमिश्नर के पास रीजनेबल रीजन है, आपके पास रीजनेबल रीजन है, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग कमीशन चाहे तो भले आपने ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री के, बिल ऑफ एक्सपोर्ट के केस में या शिपिंग बिल में ये डिक्लेरेशन नहीं दिया, फिर भी आपको ड्रॉबैक अलाउ कर सकता है अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि रीजनेबल रीजन था। क्लियर, ओके। अब साहब आप ध्यान देना बेटा, जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो अलोंग विद द शिपिंग बिल सर मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे सो दैट कस्टम ऑफिसर ये डिटरमाइन कर पाए कि आपको ड्रॉबैक मिलना है। क्लियर, और कितना मिलना है। और हाँ ध्यान देना, अगर आपको ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट फिक्स करी तो आपको स्पेशल ब्रांड रेट या ब्रांड रेट का जो कम्युनिकेशन आया होगा वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। क्लियर, प्लस ध्यान देना बेटा, आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि आपने अगर ब्रांडेड या स्पेशल ब्रांडेड के लिए फिक्स किया, अप्लाई किया था, तो मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मुला समझने के बाद आपके लिए ब्रांडेड या स्पेशल ब्रांडेड उन्होंने फिक्स किया होगा। क्लियर, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको। ओके, एंड सर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे इनपुट आउटपुट रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है। ओके सर, रूल नंबर 14 बोलता है कि मैनर एंड टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्ट अदर देन बाय पोस्ट। तो आपने जो शिपिंग बिल फाइल किया है वही क्या होता है, जिस दिन आपका वही क्लेम ऑफ ड्रॉबैक हो गया, जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिल गई उस दिन मान लेंगे क्लेम फाइल हो गया है। क्लियर, और प्रॉपर ऑफिसर
इसका एक कॉपी अपने पास रख लेता है क्लेम की तरह बेटा। ओके सर ध्यान देना, आपको अलोंग विद डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या है सर? एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड सर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वेर एवर नेसेसरी या कॉपी ऑफ ARE1 प्लस ब्रांडेड या स्पेशल ब्रांडेड अगर है तो उसका लेटर आपको अटैच करना पड़ेगा सो दैट ऑफिसर उस अकॉर्डिंग आपको ड्रॉपिक देगा। ओके डेफिशिएंट क्लेम अगर है तो विद इन 10 डेज आपको रिटर्न कर देंगे अलोंग विद डेफिशिएंसी मेमो, उसको आप जब रेक्टिफाई करके सबमिट करेंगे तब माना जाएगा क्लेम फाइल हुआ है। क्लियर? और करेक्टेड क्लेम फाइल होता है तब मानते हैं कि क्लेम फाइल हुआ है, वहां से 1 मंथ काउंट होता है गवर्नमेंट को रिफंड देने के लिए बच्चों। ओके रूल नंबर 15 पेमेंट ऑफ ड्रॉपिक एंड इंटरेस्ट, इफ एवरीथिंग इज फाउंड ओके तो आपको ड्रॉपिक क्लेम मिल जाएगा। मल्टीपल क्लेम अगर है तो गवर्नमेंट चाहे तो सिंगल क्लेम भी आपको दे सकता है। और हाँ ये जो रिफंड देंगे सर आपके नाम पे चेक बन के आ जाएगा या फिर ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, और अगर लेट हो गया डिपार्टमेंट तो अलोंग विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा बच्चों। ओके सरकार सप्लीमेंट्री क्लेम रूल नंबर 16 बोलता है क्या, अगर मान लो आपको लगता है कि जो आपको ड्रॉपिक मिला है वो कम मिल रहा है तो ऐसे केस में आप सप्लीमेंट्री क्लेम फाइल कर सकते हो। पर सप्लीमेंट्री क्लेम फाइल करने का टाइम लिमिट है कितना? 3 महीने का। 3 महीने कब से बेटा? ऑल इंडस्ट्री डेट के केस में, जिस दिन ऑल इंडस्ट्री डिटरमाइन हुई वहां से 3 महीने। क्लियर सर? ब्रांडेड या स्पेशल ब्रांडेड के केस में जिस दिन आपको लेटर रिसीव हुआ, कम्युनिकेशन रिसीव हुआ कि आपके लिए ये ब्रांडेड है या स्पेशल ब्रांडेड ये है आपके लिए, उस दिन से 3 महीने। पर अगर आप लेट हो गए, अच्छा इन अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक, वहां से 3 महीने के अंदर आपको ड्रॉबैक के लिए स्पेशल सप्लीमेंट्री क्लेम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पर हाँ लेट हो गए तो 3+ नॉर्मली क्या था, लेट होने पर 3+3+6 था बेटा, यहाँ पे क्या 3+9+6 असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के पास टाइम कितना? 3 महीने का और टाइम देने का है बेटा, कमिश्नर के पास 6 महीने का। तो 3+9+6 है, फीस वही 1% ऑफ FOB और 1000 विच एवर इज लेस, और कमिशन केस में 2% ऑफ FOB या 2000 विच एवर इज लेस इज द फीस। और ACDC कमिशन चाहे तो अगर रीजनेबल रीजन नहीं था तो आपको एक्सटेंशन देने से मना भी कर सकता है बच्चों। ओके और ध्यान देना बेटा, सप्लीमेंट्री क्लेम इस रूल में आपको बताया जिस तरह से फाइल करना उस तरह से फाइल करना, किसी और सर्कमस्टेंसेस में कभी भी सप्लीमेंट्री क्लेम आपका एंटरटेन्ड नहीं किया जाएगा। आपने जो क्लेम फाइल किया है अगर डेफिशिएंट क्लेम हुआ तो विद इन 15 डेज आपको लौटा देंगे, आप रीसबमिट जब करेंगे तो माना जाएगा कि क्लेम फाइल हुआ है। क्लियर? देन रूल नंबर 17 बोलता है रीपेमेंट ऑफ एरियस ड्रॉबैक। ओके अगर आपको कभी एक्सेस ड्रॉबैक मिल गया या गलती से ड्रॉबैक मिल गया तो ध्यान रखना आप ये नहीं कह सकते इनकमिंग फ्री आउटगोइंग बंद, सरकार आपको वो अमाउंट गवर्नमेंट को वापस रिफंड करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपसे वापस डिमांड कर सकती है और वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ओके और अगर नहीं देते हो तो रिकवरी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी करेगा। देन रूल नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन सर, ध्यान देना सेम पॉइंट हमने GST पढ़ा था चैप्टर 14 रिफंड के केस में बेटा, एक्सपोर्ट केस में रिफंड जब सेल प्रोसीजर रियलाइज नहीं होती तब, सेम पॉइंट वहां पे भी ऐड हो गया GST में। ओके सर ध्यान देना, अगर कभी भी RBI ने जो टाइम लिमिट दे रखा है फेमा के अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपका कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव नहीं हुआ तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस लिखेगा कि भाई साहब हमको एविडेंस सबमिट करो विद इन नेक्स्ट 30 डेज की रिगार्डिंग रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बेटा, जैसे BRC क्लोजर वगैरह होते बेटा, FIRC होती है, ये सब सबमिट करो हमको आप। और अगर 30 डेज में हमने सबमिट नहीं किया तो फिर डिमांड ऑर्डर आ जाएगा कि भाई साहब ड्रॉबैक वापस दे दो हमको, और नेक्स्ट 30 डेज में आपको ड्रॉबैक गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। क्लियर सर? अब इंटरेस्ट कितना वो बात करते हैं बाद में बेटा, ध्यान देना बेटा। अच्छा आपको पूरा अमाउंट नहीं आया पर कुछ अमाउंट आ गया तो जितना अमाउंट आ गया उतना हम रिकवरी उतने का ड्रॉबैक रिकवरी नहीं करेंगे, पर जितना अमाउंट आपको रिकवर नहीं हुआ आउट ऑफ इंडिया से जितना फॉरेन करेंसी आपको नहीं आया उतना प्रोपोर्शनल हम आपसे ड्रॉबैक का रिकवरी करेंगे। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर आप पेमेंट दे देते हो गवर्नमेंट को 30 दिन में तो ठीक है, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी आपके अगेंस्ट और दे विल रिकवर द अमाउंट। पर हाँ फ्यूचर में अगर आपको बाद में वापस से फॉरेन करेंसी रिकवरी हो गई आउट ऑफ इंडिया से सेल प्रोसीड्स रियलाइज हो गई तो ऐसे केस में जिस दिन आपको फॉरेन करेंसी रियलाइज हुई है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप वापस से ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। जितना प्रोपोर्शनल अमाउंट आपको रिकवरी हुआ उसके प्रोपोर्शन में जितना ड्रॉबैक बनता है वो आप वापस से अप्लाई कर सकते हो ड्रॉबैक के लिए। पर हाँ सर उसमें अगर लेट हो गए तो डायरेक्ट कमिश्नर आपको 3 महीने के बाद टाइम दे सकता है 9 महीने का, और 3+9 डायरेक्ट कमिश्नर है और 1% ऑफ FOB और 1000 विच रिलेस द फीस इन दिस केस अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है तो। ओके सर ध्यान देना, पर ये एक्सटेंशन में जब अप्लाई करेंगे ये भी RBI ने जो टाइम लिमिट एक्सटेंड करी आपकी RBI ने अंडर फेमा उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर फर्दर पेमेंट आना चाहिए बेटा आपका। ओके एक बात और ध्यान देना बेटा, अगर DTA से आपने SEZ अप्लाई किया था तो इस पर सेक्शन 75 वो एक्सपोर्ट होता है वहां पे भी ड्रॉबैक मिलता है, पर वहां पे ये रूल नंबर 18 अप्लाई नहीं होता है। सेकंड बात, अगर आउट ऑफ इंडिया आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया ड्रॉबैक ले लिया और पेमेंट बैड डेट हो गया आपका तो सर ये रूल अप्लाई होगा। पर अगर आप ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो नो रिकवरी विल बी डन। फर्स्ट सर आप RBI से एक सर्टिफिकेट लिया है, RBI ने वेव ऑफ कर दिया कि ठीक है नहीं आया पेमेंट कोई बात नहीं, RBI वेव्स ऑफ द कंडीशन ऑफ रिकवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड सर कंसर्न फॉरेन मिशन से एक सर्टिफिकेट लेके आया, सर्टिफिकेट ऑफ सर नॉन रिकवरी, सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट ऑफ नॉन रिकवरी आप लेके आ गए कंसर्न फॉरेन मिशन से। और थर्ड आपने EPCG इंश्योरेंस कवरेज, EPCG नहीं EPCGC, अरे EPCG तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है सर,
एक्सपोर्ट प्रमोशन गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का आपने इंश्योरेंस कवरेज ले रखा है, ECGC इंश्योरेंस कवरेज ले रखा है अगर आपने, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं, तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली पूरी होनी चाहिए बेटा। तो ऐसे केस में ऑल द पेमेंट नहीं है आपका, फिर भी आपसे रिकवरी नहीं करेंगे ड्रॉबैक अमाउंट बेटा। एंड लास्ट रूल, अच्छा एक और बात बेटा सर, एक सर्कुलर और आया था इसके अंदर कि कई बार क्या होता है जब आउट ऑफ इंडिया से पेमेंट आपको आता है तो फॉरेन बैंक अपना प्रोसेसिंग चार्ज या अपनी जो फीस होती है वो कट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको भेजती बेटा। जैसे 1 करोड़ इज द रियलाइजेशन बेटा, डॉलर 1 करोड़ आ रहा है और मान लो उनका 2% फीस है फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने 2 लाख डॉलर काट लिया, आपको नेट 98 लाख ही दिया। तो सर एज पर नॉर्म्स ऑफ RBI सर क्या हो रहा था, कस्टम डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि आपको तो 98 लाख ही रियलाइज हुआ है, 1 करोड़ तो रियलाइज नहीं हुआ, तो 2% आपको जो हमने आपका बैड डेट हो गया एक तरह से और वो 2% आपसे ड्रॉबैक रिकवरी करेंगे। तो यहाँ पर CBS ने सर्कुलर दिया कि दिमाग खराब मत करना, अगर फॉरेन बैंक ने अपना प्रोसेसिंग चार्ज लिया है या कोई भी चार्जेस उसने कट किए और नेट अमाउंट अगर उसने आपको ट्रांसफर किया है तो ये मानेंगे इस पर नॉर्म्स ऑफ द RBI पूरा अमाउंट आपको रिलीज हुआ है, और अगर कस्टम ऑफिसर ने आपका ड्रॉबैक कट किया तो वो आपको वापस रिफंड देंगे, आप उनसे ड्रॉबैक मांग लीजिए बेटा। क्लियर, मतलब कुल मिला के ये है कि 1 करोड़ में से अगर 2% फॉरेन बैंक ने कमीशन काट लिया उनका या फॉरेन या प्रोसेसिंग फीस काट ली तो भी ये मानेंगे पूरा 1 करोड़ ही आपको रिलीज हुआ है बेटा। क्लियर, पर हाँ इसके लिए डॉक्यूमेंट एविडेंस आपको देने पड़ेंगे कि ये बैंक के चार्जेस थे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, इस अकॉर्डिंग उन्होंने चार्जेस कट किए बेटा, बैड डेट नहीं है। ओके डन, रूल नंबर 19 पावर टू रिलैक्स जस्ट चिल डोंट डू, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो सर किसी पर्टिकुलर केस में या जनरली अगर कोई कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है ड्रॉबैक के रिगार्डिंग तो उसको वेव ऑफ कर सकता है, रिलैक्सेशन दे सकता है और बोल सकता है ठीक है जाओ ले लो ड्रॉबैक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशन आपने ये पर्टिकुलर कंडीशन पूरी नहीं करी चलेगा साहब, रिलैक्सेशन देने का पावर दे दिया गवर्नमेंट को। ओके रूल नंबर 20 रिपेल एंड सेविंग्स, जिस दिन से नए रूल्स आए उस दिन से 1 अक्टूबर 2017 से पुराने रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ओके एक और पॉइंट है, गुड्स व्हेन गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो आपको पढ़ाया हुआ है सर, अगर जब भी गुड्स एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट कंप्लीट व्हेन गुड्स क्रॉस द इंडियन टेरिटोरियल वाटर, तो अगर इंडियन टेरिटोरियल वाटर के अंदर अंदर अगर गुड्स डेस्ट्रॉय हो गया तो सर नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हुआ और उसके बाहर जाके टेरिटोरियल वाटर के बाहर जाके डेस्ट्रॉय हुआ तो एक्सपोर्ट हो गया, ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं, वो एक्सपोर्ट के स्कोप में कवर हो जाएगा बच्चों। ओके सर ये था सेक्शन नंबर 75 के रिगार्डिंग सारी बातें। अच्छा मैं 74 पढ़ाने से पहले एक बार इंटरेस्ट की बात भी कर लेता हूँ बेटा, सर ध्यान देना अगर आपको कभी ड्रॉबैक मिल गया और बाद में पता पड़ा कि वो एरोनियस था या किसी वजह से आपका फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं हुआ या किसी भी वजह से आपका वो ड्रॉबैक रिकवरेबल आता है तो आपको वो अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और खास बात जिस दिन आपको ड्रॉबैक का अमाउंट मिला था, जिस दिन रिफंड आपको मिला था, वहां से जिस दिन आप गवर्नमेंट को वापस अमाउंट पे करते हो उतने टाइम का सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा जितना अमाउंट रिफंडेबल है, जितना अमाउंट गवर्नमेंट को पेएबल है उतना अमाउंट पे बेटा। क्लियर, अच्छा ये अमाउंट अगर आपने इंटरेस्ट अमाउंट अलोंग विद द रिफंडेबल अमाउंट 2 महीने में अगर आपने पे नहीं किया तो डिमांड ऑर्डर आने के 2 महीने में पे नहीं किया तो ऐसे केस में दिस केस विल बी ट्रांसफर टू रिकवरी सेल। बच्चों यहां पे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि सर हमको तो 2 महीने का टाइम दिया तो 2 महीने के बाद डिमांड ऑर्डर आने के बाद 2 महीने में पे कर दिया तो नो इंटरेस्ट, ऐसा गलत इंटरप्रिटेशन बेटा। ध्यान रखना जिस दिन डिमांड ऑर्डर सर्व हुआ उसके 2 महीने में पे करना है पर 2 महीने पे नहीं किया तो योर केस विल बी ट्रांसफर टू रिकवरी सेल। पर हाँ आप 2 महीने में पे करो या उसके बाद पे करो, इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा कब से, जिस दिन ड्रॉबैक का अमाउंट आपको मिला उस दिन से लेकर जब आप गवर्नमेंट को पे करेंगे तब तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम। ओके सर सेकंड बात, आपने गवर्नमेंट को अप्लाई किया रिफंड के लिए ड्रॉबैक के लिए और सर गवर्नमेंट ड्रॉबैक देने में लेट हो रही है तो ध्यान रखना नॉर्मली कस्टम के अंदर गवर्नमेंट को 3 महीने का वक्त दिया है रिफंड देने के लिए पर ड्रॉबैक में 1 मंथ ही बेटा, GST में 60 डेज है 60 दिन, पूरे कस्टम में 3 महीने है, यहाँ पर ड्रॉबैक में 1 महीना है, 1 महीने में जिस दिन आपने वैलिड एप्लीकेशन दी, डेफिशिएंट था अगर एप्लीकेशन उसको फुलफिल करके जब आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर दी उसके 1 महीने में ड्रॉबैक नहीं मिला तो 1 महीने बाद वाले पीरियड के लिए दे विल पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के बेटा। क्लियर, ध्यान रखना कई बार इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं बच्चों। ओके माहौल सर ये था आपका सेक्शन नंबर 75 है, ये इंटरेस्ट के जो प्रोविजन थे 74 वाला केस हो या 75 वाला केस हो दोनों में अप्लाई होते हैं। सेक्शन नंबर 74 बोलता है अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया वही गुड्स अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो ड्रॉबैक मिलेगा। अब सर अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो 2 साल के अंदर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा प्लस गवर्नमेंट चाहे तो आपको एक्सटेंशन भी दे सकती है। ओके सर ध्यान देना विदाउट यूज अगर एक्सपोर्ट किया तो 98% जो आपने कस्टम पे किया उसका ड्रॉबैक मिलेगा 98%। और हाँ इसमें सेफगार्ड ड्यूटी हो, एंटी डंपिंग हो, कोई भी ड्यूटी हो इंक्लूडिंग 3739 सबका ड्रॉबैक मिलेगा। सेकंड बात सर DTA से SEZ एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट नहीं मानते 74 के पर्पस के लिए, बाकी अपने टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया हो या फिर फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट को स्टोर्स कोई गुड सप्लाई किया वो सब एक्सपोर्ट के इसको में आएगा। क्लियर, अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा अगर आपने यूज करके एक्सपोर्ट किया, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया उसको क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन उसको यूज किया फिर एक्सपोर्ट किया तो ऐसे केस में ड्रॉबैक मिलेगा पर कम मिलेगा। कम कितना मिलेगा सर
याद करो, मैंने एग्जाम मैंने आपको बताया था क्लास में 95, 85, 75, 70, 65, 60, 0 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ और 18 मंथ प्लस, मतलब 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट किया तो 95, 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट किया तो 85। सर ये 3 महीने 6 महीने कब से? जिस दिन क्लियर हुआ फॉर होम कंजम्पशन, वहां से लेकर जिस दिन वापस से प्रेजेंट करते हो फॉर एक्सपोर्ट, दिस पीरियड अगर 3 महीने तक का है और उसके बीच में भले आपने एक दिन यूज किया हो, ये पीरियड अगर 3 महीने तक का है तो 95 एंड अकॉर्डिंगली देन 18 मंथ तक एक्सपोर्ट करते ना, पर 18 मंथ के बाद अगर आपने एक्सपोर्ट किया नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड बेटा, तो 95, 85, 75, 70, 65, 60 और 0। ओके, पर अगर आपने कोई गुड्स पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए इंपोर्ट किया या कोई मोटर कार इंपोर्ट करी, ध्यान मोटर कार के लिए अलग से बोल दिया, तो वो भले ही बिजनेस के लिए यूज करी किसके लिए भी यूज करी, नेक्स्ट में बोल रहा हूँ वो अप्लाई होगा। ओके, अगर आपने कोई भी गुड्स पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए इंपोर्ट करी या कोई मोटर कार इंपोर्ट करी उसको यूज करके एक्सपोर्ट किया विदाउट यूज तो 98%, यूज करके एक्सपोर्ट किया तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दर का है 4, 3, 2.5 और 2% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। ओके, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। सर फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, सेकंड ईयर में 3%, थर्ड ईयर में 2.5% और फोर्थ ईयर में 2% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन। यहाँ पे क्वार्टर का मतलब ध्यान रखना बेटा जीएसटी वाला नहीं है, यहाँ पे जिस दिन क्लियर हुआ फॉर होम कंजम्पशन वहां से उस दिन से बर्थडे होता ना बर्थडे, सर यहाँ पे ध्यान रखना डेट टू डेट काउंट करते बेटा, तो सर उस अकॉर्डिंग जिस दिन हमने क्लियर किया फॉर होम कंजम्पशन वहां से 3 महीने काउंट करना बेटा, उसके लिए सर 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर बेटा, क्लियर समझे? और जिस दिन आप वापस से प्रेजेंट करो फॉर एक्सपोर्ट दिस पीरियड विल बी काउंटेड। ओके, 2 साल तक एक्सपोर्ट किया तो ड्रॉबैक मिलता ही मिलता है वैसे भी, पर इस केस में मैक्सिमम 2 साल तक का आपको और परमिशन मिल सकता है अगर प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट था या फिर मोटर कार इंपोर्ट करिए और यूज करके फिर एक्सपोर्ट किया तो, क्लियर डन, उसके बाद ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ओके, और अगर बिजनेस कमर्शियल यूज के लिए इंपोर्ट किया तो ऊपर बात करी थी हमने 18 मंथ मतलब 1.5 साल के बाद तो ड्रॉबैक मिलता ही नहीं बेटा। ओके सर, 4 गुड्स ऐसी है जिनको अगर आपने इंपोर्ट किया यूज करके फिर एक्सपोर्ट किया नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड। फर्स्ट है कपड़े, वेयरिंग अपैरल, सेकंड टी चेस्ट, सर आपने बॉक्स इंपोर्ट किया यूज कर बॉक्स को एक्सपोर्ट किया नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड। थर्ड मूवीज, सर देन नंबर एक्सपोज्ड सिनेमेटोग्राफिक फिल्म पास बाय बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स इन इंडिया, और मूवी देख ली फिर बोलते नहीं चाहिए, अरे भाई ऐसा थोड़ा होता है सर, ऐसे केस नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड। एंड लास्ट अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे एंड एक्स्ट्रा फिल्म्स, पेपर एंड प्लेट्स, इनको यूज करके एक्सपोर्ट किया नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड, विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया ड्रॉबैक मिलता है बेटा, ध्यान रखना कपड़े विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया 98% ड्रॉबैक मिलेगा, क्लियर डन। 4 गुड्स विद यूज करके एक्सपोर्ट किया तो ड्रॉबैक नहीं मिलता बेटा। ओके सर, बात आ रही है क्या अब ड्रॉबैक तो मिलेगा ना, व्हाट आर द प्रोसीजर? सर रूल्स में क्या क्या है? सबसे पहले ड्रॉबैक का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा, एक्सपोर्ट का डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, कमिंग टू रूल नंबर 3, प्रोसीजर इन केस अगर आपने एक्सपोर्ट किया बाय पोस्ट, सेम प्रोसीजर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 75 के केस में। सर वापस बोलता हूं बेटा मैं, आप जब एक्सपोर्ट करेंगे कस्टम पोर्ट जाएंगे, पोस्ट अथॉरिटी को पार्सल देंगे, उस पर ड्रॉबैक क्लेम लिखेंगे बोल्ड वर्ड्स में, ड्रॉबैक का आप क्लेम का कॉपी देंगे 4 कॉपी में। अब सर वो पोस्टल अथॉरिटी जब कस्टम ऑफिसर को वो ड्रॉबैक क्लेम देगा तब माना जाएगा कि क्लेम फाइल हुआ है, उसमें कोई डेफिशिएंसी हुई तो 15 डेज में आपको लौटा देंगे और उसको रेक्टिफाई करके 30 दिन में आपको रिसबमिट करना पड़ेगा, तब मानेंगे क्लेम फाइल हुआ है, क्लियर। और सर उसके बाद आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, अगर 1 महीने में ड्रॉबैक नहीं मिला तो उसके बाद इंटरेस्ट देगा गवर्नमेंट आपको। ओके सर, रूल नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन टू बी मेड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट अदर देन बाय पोस्ट। अच्छा, अदर देन बाय पोस्ट है, नॉर्मल कोर्स में आप शिपिंग बिल फाइल करेंगे, अब शिपिंग बिल में आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना 74 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया वही एक्सपोर्ट होना चाहिए, ये डिक्लेरेशन देंगे। सेकंड सर, इसको आपने यूज किया था कि नहीं किया था, एंड सर देना इसके इंपोर्ट करने पे आपने कस्टम पे किया था, यह डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। प्लस साथ में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्ट में लगाना पड़ेंगे कि सर मैंने इंपोर्ट किया था, इसका बिल ऑफ एंट्री ये रहा, असेस्ड कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री ये रहा, एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ये रहा, मैंने इतना कस्टम पे किया था, क्लियर। सर वहाँ पे कस्टम ऑफिसर चेक करेगा कि सर वेदर आइडेंटिटी ऑफ द गुड्स इज सेम और नॉट, गुड्स जो इंपोर्ट किया वही एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने इंपोर्ट पे कस्टम पे किया कि नहीं किया, सर ये सब डॉक्यूमेंट वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और उसके बाद ही आपको ड्रॉबैक अलाउ करेगा। ओके सर, किस दिन माना जाएगा क्लेम फाइल हुआ? रूल नंबर 5 बोलता है क्या, जिस दिन हमने शिपिंग बिल फाइल करी, ड्रॉबैक क्लेम दिया, टक ठप्पा लग गया बेटा, डेटेड रिसीट एक्नोलेजमेंट, तब मान लेंगे कि क्लेम फाइल हो गया है। पर अगर डेफिशिएंट क्लेम था, अरे क्या था बेटा, डेफिशिएंट क्लेम था, तो ऐसे केस में आपको विद इन 15 डेज वो डेफिशिएंसी मेमो के साथ लौटा देंगे, उसको 30 दिन में रेक्टिफाई करके आप रिसबमिट करेंगे, तब माना जाएगा क्लेम फाइल हुआ। अच्छा देना बेटा, आप देना जिस दिन आपको परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला, सर इस केस में सेक्शन 75 में जिस दिन आपको परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला अंडर सेक्शन 51 लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसके 3 महीने में ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो बेटा। कितने महीने में? 3 महीने में। लेट हो गए तो 3+3+6 वही सर, 3+3+6 और 1% और 1000 विच एवर इज लेस, 2000 और 2% विच एवर इज लेस इज द फीस का अमाउंट बेटा अगर लेट हो जाते तो। और ACDC कमिश्नर के पास पावर की वो चाहे तो आपकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर रीजनेबल रीजन नहीं है तो। ओके सर, अब देना बेटा
आपको, आपने ड्रॉबैक क्लेम कर लिया बेटा, डॉक्यूमेंट एविडेंस वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिए, अब डिपार्टमेंट लगता है रूल नंबर 6 बोलता है कि आप पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक एंड इंटरेस्ट इफ एनी एप्लीकेबल, क्लियर, ड्रॉबैक प्रोसेस कर देगा, आपको रिफंड दे देंगे। आपने अगर ई पेमेंट के लिए अप्लाई किया था तो आपके अकाउंट में आ जाएगा पेमेंट, नहीं तो चेक बन के आ जाएगा। मल्टीपल ड्रॉबैक क्लेम थे वो चाहे तो सिंगल क्लेम में आपको दे सकते हैं एक साथ रिफंड करके। ओके, लेट हो गया तो इंटरेस्ट देंगे। रूल नंबर 7 बोलता है अगर गलती से कभी रिफंड मिल गया आपको, एरोनियस रिफंड, तो सर आपसे वापस रिकवरी करेंगे और आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, यू कांट से इनकमिंग फ्री आउटगोइंग बंद, ऐसा नहीं। एंड रूल नंबर 7 है पावर टू रिलैक्स, जस्ट चिल ढंडू। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि वो चाहे तो आपको अगर कोई कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है एसएससी, मार्केट कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकता है, और टू प्रमोट सच एक्सपोर्टर्स, कंडीशन पूरी नहीं करी कुछ तो भी आपको ड्रॉबैक अलाउ कर सकते हैं। इसी के साथ पूरा ड्यूटी ड्रॉबैक, पूरा चैप्टर सेक्शन नंबर 74-75 सारे फंडामेंटल चैप्टर नंबर 29 खत्म होता है। अब भारत माता की जय, मस्त माहौल, पढ़ते रहो, मजे मारते रहो सर, क्लियर, डन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।